ऐसे अरे साहब विचार करो, आज से लगभग 5000 साल पहले की बात है। उस समय वो कन्या बांसुरी बजाता है और जीव जंतु आते हैं और वो भगवान है साहब, उनकी मुरली बजाने पर कोई जंतु आए कोई जीव आए तो उसमें क्या बड़ी बात है। मैं तो कहता हूं कि इस समय के दौरान ज्यादा कहां 150 साल पहले की बात होगी मेरे ख्याल से, स्वामी विवेकानंद जी महाराज भारत का नेतृत्व करते हुए जब विदेश में गए अमेरिका शिकागो में, ये घटी हुई घटना और अमेरिका के इतिहास में भी दर्ज है और भारत के इतिहास में तो है ही है कि स्वामी विवेकानंद जी महाराज जब गए अमेरिका तब वहां शिकागो में उन्होंने भारत के धर्म का सनातन धर्म का प्रतिनिधित्व करते हुए अपने सनातन धर्म की महिमा बताई और बोले तो इतने गजब के कि वहां सुनने वाले सब कायल हो। स्वामी जी को पहले मौका नहीं दिया जाता था और जब वो बोले तो साहब 3 साल तक उनको अमेरिका वासियों ने आने नहीं दिया, बोले आप यहां रहें और हम लोगों को मार्गदर्शन दें। वहां बहुत सारे कॉलेजों का निर्माण हुआ, बहुत सुंदर सुंदर कार्य स्वामी जी के करकमलों द्वारा वहां स्थापित हुआ। लेकिन एक समय की वहां की घटना है, ऐसा पढ़ाया जाता है इतिहास में पढ़ते हैं कि समुद्र के तट पर कुछ विदेशियों ने कहा कि आप हमें कुछ उपदेश दें। ऐसी सांझ का समय था, घूमने गए और स्वामी जी से बोले कि आप कुछ कहें, आपके धर्म के बारे में बताएं, मनुष्य मात्र के बारे में बताएं, हमें क्या करना चाहिए। तो स्वामी जी बोलना शुरू हो, स्वामी जी का मुख था समुद्र की तरफ और वो जो सुनने वाले लोग थे उनकी पीठ थी समुद्र की तरफ और स्वामी जी बोले तो इतने गजब के बोले कि वो बोलते बोलते पीछे खिचकते गए और वो लोग सुनने वाले धीरे धीरे पीछे आते रहे। जब प्रवचन समाप्त हुआ तब उन्होंने पीछे मुड़कर के देखा तो समुद्र को दिख भी नहीं रहा। तब उन लोगों ने मान लिया कि स्वामी जी एक आप जैसा साधु सन्यासी आकर के बोलता है और हम यहाँ विदेशी लोग सुनने के लिए कायल हो जाते हैं और सुनते सुनते हम इतनी दूर तक आ गए हमें पता भी नहीं चला है। तो आपके वहां का कृष्ण जब बांसुरी बजाता है वो परमात्मा मुरली बजाता है और जीव जंतु पक्षी पक्षी आकर्षित होकर आ जाते हैं तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ये प्रमाणित आपने कर दिया है, मान गए कि वास्तव में आपके वहां कृष्ण कन्हैया ने ऐसी बांसुरी बजाई और भगवान आए और उन मुरली के टेर को सुनकर के सारे जीव जंतु पशु पक्षी आए। अरे साहब जिस देश में भगवान आए उस देश के मनुष्य की वाणी में इतना दम है, भारत के सनातन धर्म के व्यक्ति में इतना दम है कि वो जब बोलता है तो प्रणाली का इंसान भी उसकी वाणी से आकर्षित हो जाता है। तो भला उस समय वो भगवान आए हैं, वो बोले उन्होंने बांसुरी बजाई है तो आए होंगे ये सब, ये कल्पना नहीं हो सकती है, ये सत्य घटना हो सकती है। तो न मानने वालों ने भी स्वीकार किया है, इसलिए कृष्ण मुरली बजाते हैं। तो ऐसा वर्णन है हमारे शास्त्रों में कि मुरली की टेर को सुनकर सारे पशु पक्षी जीव जंतु आए और सबने कृष्ण के साथ में रास किया। हालांकि रास का प्रसंग अद्भुत है, इसमें जीव को शिव से जोड़ा है भगवान ने, देवता भी दर्शन करने वहां पधारे और उसके बाद में भागवत जी के अंदर गोवर्धन धारण की कथा का प्रसंग है। कृष्ण कन्हैया ने गोवर्धन उठाया, 7 कोस में फैला हुआ वह गोवर्धन पर्वत 21 किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ गोवर्धन और उस गोवर्धन का पूजन करवाया भगवान कृष्ण ने ब्रजवासियों के द्वारा, इंद्र की पूजा बंद करो हमारे गोवर्धन का पूजन करो। तो सारे ब्रजवासियों ने कहा चलो ठीक है कन्हैया, आप अगर कह रहे हैं कि हमारे गोवर्धन है प्रत्यक्ष प्रकट होकर दर्शन देंगे तो हम इंद्र की पूजा को छोड़ करके गोवर्धन की पूजा करेंगे। 56 भोग समर्पित हुआ, गोवर्धन का पूजन हुआ तो साक्षात भगवान चतुर्भुज रूप धारण करके प्रकट हुए और भगवान ने कहा कि लाओ ब्रजवास्या भोग, लाओ ब्रजवास्या भोग, लाओ ब्रजवास्या भोग।
और सबने अपना अपना आइटम स्वीकार किया, सबने अपना अपना भोजन स्वीकार वो समर्पित किया और भगवान ने वो सब स्वीकार किया। तो इतनी गजब की भगवान की पूजा जब ब्रजवासियों ने की तो सारे ब्रजवासी को दर्शन देने भगवान आए। ब्रजवासी बड़े प्रसन्न हो गए और इतने प्रसन्न हुए कि सबने जब जयकारा लगाया तब नारद जी ने जाकर इंद्र से कहा कि इंद्र तुम्हारी पूजा बंद हो गई और उस ग्वाले ने खुद की पूजा चालू करवा दी है। तो भगवान कृष्ण पर कुपित हुआ इंद्र। इंद्र ने कहा उस ग्वाले की इतनी हिम्मत कि मेरी पूजा बंद करवा के खुद की पूजा चालू करवा दी है, खुद चतुर्भुज रूप धारण करके प्रकट होता है, ब्रजवासियों से भोजन स्वीकार करता है, मेरी पूजा बंद करवाई। बोले हाँ। इंद्र ने कहा अभी देखता हूँ नारद जी, और मेघ मालाओं को बुलाई है, बादल आए और इंद्र ने मूसलाधार बारिश बरसाने शुरू कर दी है, जबरदस्त बारिश बरसी। घबराए सारे ब्रजवासी, ब्रजवासियों ने कहा अरे इंद्र क्यों मार रहा है, क्यों बुला रहा है। भगवान ने कहा ब्रजवासियों इंद्र से प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है, हमारे गोवर्धन से प्रार्थना करो वो तुम्हें बचाएंगे। कैसे बचाएंगे, कहें प्रार्थना तो करो। सबने मिलकर के गोवर्धन को पुकारा है, उसी समय गोवर्धन पर्वत धरती से ऊपर उठा और भगवान कृष्ण ने अपने बाएं हाथ में कृष्ण का अंगूल करके उठा। सारे ब्रजवासी दौड़कर नीचे आए। तीन दिन तीन रात तक कृष्ण ने गोवर्धन धारण करके मुंह खड़ा रखा, सोए नहीं थे। तो सारे ब्रजवासियों ने कहा कन्हैया तुम थक गया हो, अरे सो जा आराम कर ले, और उधर बरसात थमने का नाम नहीं ले रही है। लेकिन भगवान कहो कि नहीं मैं थका नहीं हूं, अरे मुझे तो आप सबकी रक्षा करनी है, सेवा का यह अवसर मिला है ना, इंद्र कुपित हुआ है तो आप सबके प्राण बचाने हैं, इसलिए मैं खड़ा हूं गोवर्धन को धारण करके। ग्वाल बाल कहो कानूना और गोवर्धन थाली अंगुली में थोड़ी टिकी उड़ो है, ये तो माली लकड़ियां लागी उड़ी है, जना गोवर्धन ठहरी उड़ो है, अगर मैं लकड़ियां हटाई दी तो गोवर्धन नीचे आ जावे ना। भगवान कहो नहीं और गोवर्धन थाली लकड़ियां माते नहीं है, गोवर्धन तो मेरी अंगुली पे टिका है। ग्वालों ने कहा अच्छा आया बड़ा अंगुली पे गोवर्धन उठाने वाला, अरे अरे भाई थाने का तू ताकत आएगी तो तू गोवर्धन उठाई लियो, माली लकड़ियां लाग उड़े मैं तुम दिखे वो नहीं, और अपने आप ने बड़ो बलवान समझ बैठो है। भगवान कहो कि अरे मैं उठायो हूँ गोवर्धन, हमारी अंगुली में आते हैं। तो ग्वालों ने कहा कि फिर ऐसा तू क्या है, बोले मैं भगवान हूँ भगवान, कृष्ण बोले मैं भगवान हूँ। ब्रजवासी जो एक अनुला अपने आप को भगवान मत मानिए, भगवान भगवान को तुम्हें अपने आप को भगवान मान के बैठ गया है, भगवान नहीं है तुम्हारा दोस्त है और अपने आप को भगवान मानता है। रोज तो माने साथ भोजन करे माने साथ गया चला राम भगवान बन गयो, सो जा आराम कर ले थक जाएगा बीमार पर जाएगा। आया बड़ा गोवर्धन उठाने वाला, तो भगवान ने कहा हकीकत में मैंने उठाया है गोवर्धन, अगर मैं अंगुली हटाई तो गोवर्धन नीचे आएगा। ब्रजवासियों ने कहा अरे तू भगवान है तो कोई प्रमाण दे, क्या भाई ऐड़ो काम को भगवान ही कर सके, कोई अगर अद्भुत काम तुमने क्या हो तो बताए। कृष्ण ने कहा अरे मैंने 7 दिन की उम्र में पूतना को मारा था। ब्रजवासी कहो कि पूतना मारी तो कहीं होगी, हो मरी मराई पूतना ने 10 निंदा तो मैं भी मारिया। हेलो बड़ो भगवान, भगवान ने कहा तो फिर मैंने वो बड़े बड़े राक्षसों को मारा, उसका अंडासुर बकासुर अष्टासुर केसी लेके धनुकासुर बहुत सारे राक्षस मारे। बोले राक्षस मारे तो क्या हुआ, यमुना जी ने फेंक के तो हम आए, उनका दाह संस्कार तो हमने क्या ठिकाना तो मैं लगाया वाले। और आयो बोलो भगवान आराम कर ले सो जा। भगवान समझ गया कि एक ग्वाल बाल वाली बात नहीं मानेगा। कृष्ण ने कहा मैं भगवान हूँ, फिर भी ब्रजवासी कहते नहीं भगवान नहीं, तू तो नंद लाला है हमारा दोस्त है, अपने आप को भगवान मत समझ। कृष्ण ने कहा तो फिर अंगुली हटाऊं, बोले हटा ले कन्हैया। और जैसे ही कन्हैया ने थोड़ी सी अंगुली नीचे की है, क्योंकि कृष्ण को पता है कि अंगुली के साथ गोवर्धन तो आना ही, और धीरे से अंगुली को नीचे किया तो गोवर्धन एकदम नीचे आया और सारी लकड़ियां टूट गई। ग्वाल बाल घबराए, ग्वाला ने कहा कन्हैया कन्हैया समाज भाई मर जाएंगे, गोवर्धन आ गया लकड़ियां टूट गई। फिर से भगवान ने उठाया, सारे ब्रजवासियों की लकड़ियां टूट गई, डरने लगे कांपने लगे, सबने कहा कृष्ण यह अंगुली मत हटाना मर जाएंगे, क्योंकि अब पता चल गया कि हमारी लकड़ियों पर नहीं है गोवर्धन तुम्हारी अंगुली पर टिका है, अब अगर अंगुली हटाएगी तो माता हाँ गया काम।
भगवान ने कहा, मित्रों मैंने पहले भी कहा कि तुम्हारी लकड़ियों पर गोवर्धन नहीं टिका है, गोवर्धन मेरी अंगुली पे टिका है। लेकिन फिर भी ब्रजवासी भगवान ने भगवान नहीं माने, क्योंकि वह तो साते रहने रोज। तो ब्रजवासियों ने कहा, कन्हैया एक बात बता, थारी अंगुली में ताकत आई बैठो। तो भगवान ओचो की मां ने कह दू कि मैं भगवान हूं, तो ऐ मारी बात मानो तो अगर। भगवान ने कहा, देखो मित्रों मेरे अंगुली में ताकत कहां से आई बताऊं, बोल बताओ कहां से आई। बोले, कछु माकन को बल बढ़ियो, कछु गोपिन करी सहार, राजे जो की कृपा से मैंने गोवर्धन लियो उठा। कछु माकन को बल बढ़ियो, मतलब माकन खायो उनसु पावर आयो, और कछु गोपिन करी सहार की थे लोग सहायता करी। तो ग्वाल मार कहो मैं कहीं सहायता करी, मारा भी सहायता तो फैल हो गई है, लकड़ियां आई वही टूट गई। बाड़ा कहना तो वही को खा लिया, तो यानी मैं कहीं सहायता करी। तब कृष्ण ने कहा, देखो कि जिस समय मैंने गोवर्धन को उठाया उस समय आप सब टकटकी लगा करके मेरी अंगुली को देख रहे थे, तो आपके अंदर जितनी ताकत थी वो सब मेरी अंगुली में आ गई। ग्वाल बाल क्यों जनेश, तो मैं देखियो कि मारी लकड़ियां टूटी, मारी ताकत कैसे गई है, हम कोई कमजोर थोड़ी है कन्हैया, हम भी तो पावरफुल हैं, अरे हम भी तो ब्रजवासी हैं, लेकिन आज हमारी शक्ति चली गई, इसका मतलब आपने चुराई है। बड़ा गदर का चोर निकला रे, मक्खन चुराता है चीर चुराता है, लेकिन शक्ति भी चुराने लग गया, वारे चोर कहीं का, लेकिन यही तो भाव।